हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदी समरी ऑफ द कैंटरविले घोस्ट। पिछले 4 हफ्तों में जो कुछ भी उस भूत के साथ हुआ, उसने उसे बुरी तरह से थका दिया था और उसने 5 दिन तक खुद को एक कमरे में भी बंद कर लिया था और उसने अब इस खून के धब्बों को वापस बनाना भी छोड़ दिया था। उसे लगता था कि ओटिस परिवार को उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। वो अब कॉरिडोर्स में भी बहुत ही शांति से जाता था। उसने अपने जूते उतार दिए और जंजीरों में लुब्रिकेटर भी डाल दिया था, पर ट्विंस अभी भी उस भूत को परेशान करते थे। उन्होंने कॉरिडोर में रस्सियां बांध दी थी जिससे कि वो भूत रात में गिर जाता था, और उन ट्विंस ने उस भूत के लिए सीढ़ियों पर बटर स्लाइड भी बनाई थी जिस पर वह फिसल गया और उसे चोट भी लग गई। यह सब होने के बाद भूत को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने उन ट्विंस को सबक सिखाने की ठान ली। उस भूत ने अब उन ट्विंस को बुरी तरह से डराने की प्लानिंग की और इसके लिए वह 3 घंटे तक तैयार भी हुआ। वो बड़े लेदर के बूट और पिस्टल के साथ कॉरिडोर में निकला और जब वो ट्विंस के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने जोर से दरवाजे को खोला ताकि दोनों ट्विंस डर जाएं, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके ऊपर एक पानी का जग गिर गया और वह गीला हो गया, और उस समय वह ट्विंस जोरों से हंसने लगे। और अब उस भूत के पास वहां से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब उसने ओटिस फैमिली को डराने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। उसे अब सर्दी भी हो गई थी, इसलिए उसने मफलर बांध लिया था। 19 सितंबर को रात 2 बजे भूत ने सोचा कि सब सो गए होंगे और वहां उन खून के धब्बों को देखने के लिए गया। तभी उसने एक अंधेरे कोने से 2 सायों को हाथ हिलाते हुए अपनी तरफ आते हुए देखा और एकदम से उसके कान में चिल्लाया, भू। वह भूत बुरी तरीके से डर गया और वहां से भागा। तब वॉशिंगटन ने उसका पीछा किया। वह इतना डर गया था कि वो चिमनी से होते हुए अपने चेंबर में भाग गया और फिर कभी नहीं निकला। मिस्टर ओटिस ने फिर एक शानदार पार्टी भी दी थी जिसमें चेशायर का ड्यूक भी आया था और उसने वर्जीनिया के साथ घुड़सवारी भी की थी। अब सभी लोग सोचने लगे थे कि वह भूत जा चुका है, पर असल में वो वहीं था। और भूत को जब पता चला कि चेशायर का ड्यूक आया है, तब उसे याद आता है कि एक बार ड्यूक के चचेरे दादा ने कैंटरविले घोस्ट के साथ डाइस खेलने की शर्त लगाई थी। तो वह भूत उस ड्यूक को डराने का प्लान बनाता है और वो वैम्पायर की तरह तैयार भी हो जाता है, पर ट्विंस के डर से वह आखिरी समय पर कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाता।